हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले नर्वस सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो नीट में पूछे गए हैं और अपकमिंग एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। माय सेल्फ सौरभ शर्मा, आप मिस्टर मेडिको चैनल पर ये वीडियो देख रहे हो। नर्वस सिस्टम का काम क्या हो जाता है? अल्टीमेटली क्विक कोऑर्डिनेशन करना। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा, नर्वस सिस्टम प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन। एंडोक्राइन जो सिस्टम हो जाता है, मतलब हार्मोन वाला सिस्टम हो जाता है, वो क्या करता है, वो केमिकल इंटीग्रेशन देता है। अल्टीमेटली दोनों ही एक साथ मिलके काम करते हैं, जिसको बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। फाइन, नाउ सीएनएस की बात करते हैं। व्हाट इज सीएनएस? सीएनएस का मतलब आ जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। बहुत बार सवाल आता है, डैश इज द साइट ऑफ प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, द आंसर विल बी सीएनएस। फाइन, नाउ द एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट्स इम्पल्स फ्रॉम द टिश्यूज और द ऑर्गन्स to the CNS and the efferent transmit regulatory impulses from the CNS to the concerned tissue। मतलब क्या है, देखिए अगर आपके CNS है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई भी चीज CNS के तरफ जा रहा है, वो इम्पल्स लेके CNS के तरफ अगर जा रहा है तो वो एफरेंट है। ठीक है, द एफरेंट ट्रांसमिट इम्पल्सिस फ्रॉम टिश्यूज या फिर ऑर्गन टू CNS। तो अगर ये एक ऑर्गन है, ऑर्गन से CNS पे गया तो दिस इज एफरेंट। अब CNS टू ऑर्गन आ रहा है यहाँ पे, दिस इज इफरेंट। क्लियर? नाउ अब हम लोग आते हैं द पीएनएस, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन। एक को बोलते हैं एसएनएस और एक को बोलते हैं एएनएस। एसएनएस मतलब सोमाटिक न्यूरल सिस्टम और एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। फाइन, अब हम लोग यहाँ पे और पढ़ते हैं विसरल। विसरल नर्वस सिस्टम का मीनिंग क्या हो जाता है? विसरल मतलब हमारे जो ऑर्गन से रिलेटेड है, इंटरनल ऑर्गन से जो रिलेटेड है नर्वस सिस्टम, वो भी पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम का ही पार्ट है। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम को हम लोग सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक में क्लासिफाई कर सकते हैं। सिंपैथेटिक मतलब क्या हो जाता है और पैरासिंपैथेटिक मतलब, ये इंपॉर्टेंट होता है समझना। सिंपैथेटिक का मतलब हो जाता है ऐसा न्यूरल सिस्टम जो आपके हार्ट रेट को बढ़ा सकता है, जो इमरजेंसी कंडीशन से कोप अप करने में मदद करता है। पैरासिंपैथेटिक का मतलब होता है चिल वाला सिस्टम, मतलब आप चिल जब कर रहे हो, आराम से पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, तो उस टाइम पे एकदम मस्त चिलिंग, एकदम कोई हार्ट रेट भी नॉर्मल रह रही है, तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करते हैं, डिक्रीजेस द हार्ट रेट। ये सवाल आ सकते हैं यहाँ से। द साइटोन ऑफ द न्यूरॉन कंटेन सर्टेन ग्रैनुलर बॉडीज कॉल्ड एज निसिल ग्रैन्यूल। क्वेश्चन आने वाला है निसिल ग्रैन्यूल का प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे, साइटोन में, डेंड्राइट में भी रहता है अगर आप ड्रॉइंग देखोगे तो साइटोन को सेल बॉडी भी बोलते हैं न्यूरोन का, राइट। बाइपोलर न्यूरॉन्स जो हो जाते हैं ना, वो रेटिना में मिलते हैं। बाइपोलर न्यूरॉन में एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट होता है, ओके। अनमाइलिनेटेड जो नर्व फाइबर्स हो जाते हैं, दे आर इंक्लोज्ड बाय श्वान सेल बट दे डू नॉट फॉर्म माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन। मतलब अनमाइलिनेटेड के पास श्वान सेल्स तो हैं बट माइलिनेशन नहीं हुआ, ये इंपॉर्टेंट हो गया। द गैप बिटवीन द टू एडजेसेंट माइलिन शीथ ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड एज नोड ऑफ रैनवियर। तो जो गैप आ जाता है उसको क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रैनवियर, जिसके कारण साल्टेटरी मूवमेंट ऑफ द इम्पल्स पॉसिबल है। कैसा मूवमेंट? साल्टेटरी, SALTATORY, साल्टेटरी मूवमेंट, ओके। एट रेस्टिंग स्टेट एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपेरेटिवली मोर परमिएबल टू के प्लस, ओके, एंड इज नियरली इम्परमिएबल टू एन ए प्लस। ये बहुत बार पूछा गया सवाल है, रेस्टिंग में क्या होगा, एंड इट इज ऑल्सो इम्परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन विच इज इन साइड, ओके। नाउ द सोडियम पोटेशियम पंप ट्रांसपोर्ट 3Na+ एंड 2K+ इनटू द सेल, ओके। नहीं समझ आया, आइए देखो, 3Na+ को बाहर भेज रहा है और 2K+ को अंदर भेज रहा है, ये चीज याद रहेगा, ठीक है। 3K+ को बाहर और 2K+ को अंदर, फाइन। नाउ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ये जो है ना, ये पंप, ये पैसे खर्च करते हैं, यहाँ पे ATP लगती है। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज रेस्टिंग पोटेंशियल। फाइन, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरली -70 mV होता है, आप याद रख सकते हो 70 mV। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट डीपोलराइज स्टेट इज कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल, जिसको नर्व इम्पल्स नाम से भी जाना जाता है। फाइन, ए साइनेप्स इज फॉर्म बाय द मेम्ब्रेन ऑफ प्री साइनेप्टिक न्यूरोन एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरोन। साइनेप्स है क्या, बीच की जो क्लेफ्ट बन रहा है ना, बीच में जो क्लेफ्ट बन रहा है, ठीक है, एक गैप हो जा रहा है, उसको बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। Fine, now impulse transmission across electrical synapse always faster होगा, क्योंकि gap कम है, वहां पे आपको neurotransmitter के लिए acetyl choline ये सब जरूरत नहीं है, उसमें INC directly काम हो रहा है electrical वाले में, ठीक है। electrical synapse हमारे body में rare है, ठीक है, हमारे body में ज्यादा क्या present है,
केमिकल साइनेप्स, ठीक है, वो जो केमिकल हो जाते हैं उनको न्यूरो ट्रांसमीटर बोला जाता है, वो एक्सॉन के टर्मिनल से ही रिलीज होते हैं, डेंड्रॉन के पास ऑब्वियसली रिलीज नहीं हो रहे डेंड्रॉन से, इसीलिए यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट हो जाता है, ठीक है। ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियल मेनिंजेस कंसिस्टिंग एन आउटर लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर, मिडिल एरेक्नॉइड एंड इनर लेयर ऑफ पाया मैटर। याद करने के लिए अंदर से बाहर आईपैड याद रख सकते हो आप, और बाहर से अंदर की तरफ ओ डैप याद रख सकते हो, डैप DAP, ठीक है। डीप क्लेफ्ट डिवाइड द सेरिब्रम लॉन्गिट्यूडनली इंटू टू हाफ विच आर टर्म्ड एज राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। ओके, राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर को कौन डिवाइड हो गया, एक डीप क्लेफ्ट, राइट, है ना, कौन सा क्लेफ्ट, लॉन्गिट्यूडनल क्लेफ्ट। आइए, बोथ सेरिब्रल हेमिस्फेयर जोड़ के कौन रखा है, इन दोनों को जोड़ के बाय ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर कॉल्ड एज कॉर्पस कैलोसम, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, थ्री मेजर रीजन दैट मेकअप द ब्रेन स्टेम आर मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडल ऑब्लॉन्गाटा। फाइन, द हाइपोथैलेमस जो हो जाता है ना, हाइपोथैलेमस के बहुत सारे सेंटर होते हैं जो बॉडी टेम्परेचर को, ईटिंग का अर्ज को, इच्छा, ईटिंग की इच्छा को और ड्रिंकिंग को, ये सारे सेंटर रेगुलेट करते हैं यहाँ पे। ओके, द रीजन कॉल्ड एज एसोसिएशन एरियाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। इससे सवाल क्या आता है पता है, इससे आता है एसोसिएशन एरियाज आर डैश, दे आर नीदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर इन ओरिजिन। ओके, चलिए, नीदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर। ओके, ए कैनल कॉल्ड एज द सेरिब्रल एक्विडक्ट पासेस थ्रू मिड ब्रेन। सवाल आएगा कि सेरिब्रल एक्विडक्ट कहाँ से पास हो रहा है, तो मिड ब्रेन से, ठीक है। द डॉर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फोर लोब्स कॉल्ड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कितने हैं भाई, फोर लोब, चार लोब है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कहाँ पे है ये, डॉर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन। यहाँ से बहुत बार सवाल पूछा गया है कि कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना इज प्रेजेंट इन डैश डॉर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन, द पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन दैट कंटेन सेंटर विच कंट्रोल रेस्पिरेशन कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन इज इन मेडुला। मेडुला से रिलेटेड आपको एक और याद होगा, वॉमिटिंग रिफ्लेक्स मेडुला में याद आ रहा होगा आपको, यस। आर पेयर्ड आईज आर लोकेटेड इन सॉकेट कॉल्ड एज ऑर्बिट्स, ठीक है। द एक्सटर्नल लेयर ऑफ द आईबॉल इज कंपोज ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड स्क्लेरा। मिडिल लेयर क्या चीज से, कोरॉइड है, कैसा कलर का दिखता है, ब्लूइश इन कलर। कोरोइड के अंदर ब्लड वेसल है तो ये ब्लू कलर का दिखता है, रेड नहीं, ठीक है, याद रखिएगा, लुक्स ब्लूइश इन कलर। द कोरोइड लेयर इज थिन ओवर द पोस्टीरियर, कितना, पोस्टीरियर 2/3 में थिन है ऑफ द, ओके, बट आगे जाके थोड़ा थिक हो जाता है और सिलियरी बॉडी बनाता है। फाइन, द आईबॉल कंटेन्स ए ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस। तो लेंस का कैरेक्टरिस्टिक कैसे, ट्रांसपेरेंट है, क्रिस्टलाइन है और बाई कॉन्वेक्स है, ये चीज भी याद रखिएगा, बाई कॉन्वेक्स दिखता है ना लेंस आपका। देन विच इज हेल्ड इन प्लेस बाई लिगामेंट अटैच टू सीलियरी बॉडी। ओके, नाउ चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे रेटिना कंटेन थ्री लेयर ऑफ न्यूरल सेल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। क्या क्या लिख दिया सर जी यहाँ पे, आउटसाइड गैंग्लियन, बाइपोलर एंड फोटो रिसेप्टर सेल। इसके लिए भी आप लोग चीट कोड बना सकते हो IGBP, मैं सारे चीट कोड को शॉर्ट्स के फॉर्म में अलग अपलोड कर दूंगा। IGBP फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड क्या हो जा रहा है सर जी यहाँ पे, IGBP, इनसाइड से जब बाहर निकल रहे हो तो क्या हो जाएगा, इनसाइड टू आउटसाइड GBP, गैंग्लियन, बाइपोलर एंड फोटो रिसेप्टर सेल। द टू टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर आर कोन्स एंड रोड्स। तो इसमें कोन और रोड को कैसे याद रखोगे, सी फॉर कोन, सी फॉर कलर, कलर विजन के लिए, ठीक है। डेलाइट विजन के लिए भी कोन चाहिएगा, ट्वीलाइट या स्कोटोपिक विजन उसके लिए रॉड चाहिए, फाइन। और डेलाइट विजन को फोटोपिक विजन भी बोलते हैं। ओके, नाउ द रॉड कंटेन पर्पलिश रेड प्रोटीन कॉल्ड एज रोडोप्सिन। तो रोडोप्सिन के लिए क्या मिला आपको लाइन, पर्पलिश रेड प्रोटीन विच कंटेन डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। ओके, फोटो रिसेप्टर सेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द आई इन द रीजन कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट में क्या हो जाता है, वो सब लीव कर रहे हैं उस जगह से, तो वहां पे तो आपके पास फोटो रिसेप्टर सेल नहीं है। ओके, एट द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई लैटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट देर इज ए येल्लोइश, क्या लिखा है, देर इज ए येल्लोइश पिगमेंटेड स्पॉट कॉल्ड एज मैकुला विथ ए सेंट्रल पिट कॉल्ड द फोविया। ओके, तो यहाँ पे जो लिख लीजिएगा फोविया, फोविया पे क्या होता है, विजुअल एक्विटी सबसे ज्यादा होती है बिकॉज यहाँ पे सिर्फ कोन्स प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, सिर्फ कोन्स, ओनली कोन्स, नो रॉड्स। द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस, सोच के देखना, कॉर्निया और लेंस के बीच का जो स्पेस है उसमें, उसको एक्वस चेम्बर बोल रहे हैं, दैट इज फिल्ड विथ एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर जो वो वाटरी फ्लूइड है, ठीक है, और जो आपके जो लेंस और रेटिना के बीच का जो स्पेस है ना उसको वाइट्रस चेम्बर बोलते हैं, दैट इज फिल्ड विथ, ओके, वाइट्रस ह्यूमर। ओके, वो जेल लाइक हो जाता है, याद रखिएगा। द फोटो पिगमेंट इन द ह्यूमन आई आर कंपोज ऑफ ऑप्सिन इज ए प्रोटीन
एंड रेटिनल, अल मतलब एल्डिहाइड, एंड एल्डिहाइड विटामिन है, विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं ना। ओके, द एक्शन पोटेंशियल आर ट्रांसमिटेड बाय द ऑप्टिक नर्व टू द विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन वेयर द न्यूरल इम्पल्सेज आर एनालाइज्ड एंड द इमेज इज फॉर्मड ऑन द रेटिना। ओके, तो इमेज कहाँ बन रहा है? रेटिना पे बन रहा है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। नाउ द कैनल ऑफ आउटर ईयर इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस। पिन्ना क्या करता है? पिन्ना का काम कलेक्ट द वाइब्रेशन इन द एयर विच प्रोड्यूस द साउंड, तो वाइब्रेशंस को कलेक्ट करने में मदद कर रहा है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ईयर ड्रम भी बोलते हैं, याद रखिएगा। और आपके जो वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड होते हैं ना, उनका नाम सीरुमिनस ग्लैंड होता है, आप याद रख सकते हो। ये कहाँ पे एस जी, ये पे स्किन ऑफ पिन्ना एंड मियाटस ऑफ द ईयर पे प्रेजेंट है, एक्सटर्नल ऑडिटरी जो मियाटस पड़ा ना उसमें। ओके, द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज कवर्ड विथ स्किन आउटसाइड। सोचो, देखो बाहर की तरफ स्किन है और अंदर की तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड है। फाइन, द मेलियस जो ऑसिकल, अब ईयर ऑसिकल की बात करें, ईयर के अंदर, एक ईयर के अंदर तीन ईयर ऑसिकल पढ़ते हो, मिस पढ़ते हो, MIS मिस, ठीक है, ये भी सिखाया था मैंने आपको, मिस। तो मेलियस, इनकस और स्टेपिस, तो क्या लिखा है? मेलियस इज कनेक्टेड टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, अटैच टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। स्टेपिस इज अटैच टू ओवल विंडो ऑफ द कॉकलिया। यहाँ से बहुत बार सवाल पूछा गया कि स्टेपिस का अटैचमेंट कहाँ पे है? ओवल विंडो ऑफ द कॉकलिया, ठीक है। देन यूस्टेचियन ट्यूब कनेक्ट द मिडिल ईयर कैविटी विद द फेरिंग्स, तो दैट इज वे यूस्टेचियन ट्यूब को फेरिंगो टिम्पैनिक ट्यूब भी बोलते हैं। द फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर इज कॉल्ड एज लैबरिंथ। लैबरिंथ किसको बोल रहे हैं भाई? फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर। फाइन, नाउ मेम्ब्रेनस जो लैबरिंथ हो जाता है इज सराउंडेड बाई ए फ्लूइड कॉल्ड एज पेरिलिम्फ। ओके, एंड इट इज फिल्ड विथ एंडोलिम्फ। मतलब अब क्या हुआ इसका? आइए सपोज दिस इज मेम्ब्रेनस लैबरिंथ, तो मेम्ब्रेनस लैबरिंथ इज फिल्ड विथ एंडोलिम्फ और इट इज सराउंडेड बाई पेरिलिम्फ, याद रहेगा। आई एट द बेस ऑफ द कॉकलिया द स्केला वेस्टिबुली ओके एंड्स एट द ओवल विंडो। फाइन, द स्केला टिम्पैनी टर्मिनेट्स एट द राउंड विंडो, ये याद रख लीजिएगा, काम आ सकता है। वेस्टिब्यूली आपके ओवल विंडो पे टर्मिनेट हो रहा है और स्केला टिम्पैनी एट द राउंड विंडो। नाउ ऑर्गन ऑफ कॉर्टी इज द स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द बेजिला मेम्ब्रेन विच कंटेन हेयर सेल। हेयर सेल एक्ट एज ऑडिटरी रिसेप्टर। हेयर सेल के ऊपर एक मस्त सा मेम्ब्रेन, इलास्टिक मेम्ब्रेन, उसको टेक्टोरियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब हेयर सेल को एकदम कवर करके रखा है ऑलमोस्ट थोड़ा, ठीक है, थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन कॉल्ड टेक्टोरियल। ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसेस कॉल्ड एज स्टीरियोसीलिया आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द एपेक्स। एपेक्स का जो है ना, सेल का एपेक्स, वहां से प्रोजेक्टेड है स्टीरियोसीलिया। द वेस्टिबुलर अपैरेटस इज कंपोज्ड ऑफ थ्री सेमी सर्कुलर कैनल। थ्री सेमी सर्कुलर कैनल, तीनों अलग अलग प्लेन में एक दूसरे से 90 डिग्री पर, ठीक है। एंड ओटोलिथ द क्रिस्टा एंड मैकुला आर द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑफ द वेस्टिबुलर अपैरेटस। वेस्टिबुलर अपैरेटस आपको पता है बैलेंसिंग के लिए था। ओके, द मूवमेंट, अब क्या लिखा सर यहाँ? द मूवमेंट ऑफ द बेजिलर मेम्ब्रेन बेंड द हेयर सेल प्रेसिंग देम अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन विच रिजल्ट इन जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। द इम्पल्सिस आर ट्रांसमिटेड बाई द एफरेंट फाइबर्स वाया ऑडिटरी नर्व टू द ऑडिटरी कॉर्टिक्स ऑफ द ब्रेन। तो कहाँ पे जा रहे सिग्नल? ऑडिटरी कॉर्टिक्स ऑफ द ब्रेन where the impulses are analyzed and the sound is recognized. I hope guys आपको यहाँ पे help हो, और इसके साथ additional भी बहुत point है, हम लोग आपको try करेंगे telegram के through MCQs भी करवा देने का। तो telegram ID नीचे दी गई है, आपको link दी गई है, आप join कर सकते हो। इसका PDF भी मैं वहीं पे कुछ hours के बाद upload कर देता हूँ। Thank you so much guys, till then keep learning, keep hustling.